10 अगस्त 2022 को नई सरकार बिहार नया बिहार बन चुका, यानी कि तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, जिसका 24 और 25 को शपथ ग्रहण विधानसभा में अपने सरकारों का दावा पेश करेंगे और अपना बहुमत लेंगे, अलग बातें हुई। लेकिन लोक स्मार्ट न्यूज चैनल को एक जरूर इस बात कहने पर हम दावा करते हैं, ये इस बार का जो नए बिहार जो बना है, इसमें नीतीश कुमार जी से ज़्यादा अंक तेजस्वी यादव को लोगों द्वारा दी जा रही है। नीतीश कुमार जी पर लोगों का भरोसा कम है, क्योंकि उन्होंने जो स्टेप जो चुना है भविष्य में कि हम प्रधानमंत्री को दावा करेंगे, विपक्षी को मजबूत करेंगे, इस दावे में बिल्कुल 100% फेल दिखाई दे रहे हैं। लेकिन बिहार का एक नवयुवक नेता तेजस्वी यादव का भविष्य उज्जवल, और वे तय है कि इस नीतीश कुमार की आड़ में और पैर छूकर जो उन्होंने जो आशीर्वाद लिया, वे लगातार बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे, इसमें कोई दो मत नहीं। अगर 2 साल के भीतर तेजस्वी यादव अगर अपने यादवों के साथ जातिवाद अगर करते हैं, या किसी तरह इन्होंने यादवों स्पेशली यादव जाति को अगर मन बढ़ा करके पुराने अपने पिताजी जैसा वाला यादव के अगर सह दे देंगे, तो फिर ये तेजस्वी यादव जी भविष्य में कभी नहीं दिखाई देंगे। बस तेजस्वी यादव को रोकना है, यादवों का जो लड़के बहक जाते हैं अगर ये रोक लिए, और 10 लाख नौकरी या जो भी वादा किए हैं अगर करते हैं, तो पूरा बिहार के नवयुवक इनके साथ है और भविष्य के लिए कंटिन्यूअस मुख्यमंत्री है। इसी के साथ हम अगले स्टेप पर लगातार बने रहेंगे। जय हिंद।